हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ आधे घंटे में चिकन मसाला। तो देखिए, हमने अपना चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा है। मैरिनेशन के लिए हमने लिया है दही, हल्दी, गरम मसाला, मालवनी मसाला, लाल मिर्च मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैरिनेट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। इसको आपको ढक के साइड में रखना है, 10-20 मिनट के लिए साइड में रख दीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है लवंग, काली मिरी, इलायची, जीरा पाउडर, जीरा, तेजपत्ता, दो हरी मिर्च और दालचीनी। हमें इसमें फिर लेना है दो बारीक कटा हुआ प्याज और 3 टमाटर की प्यूरी। ये देखिए, हमने प्यूरी ले ली है। फिर एक कुकर में हमें तेल गरम करने के लिए रखना है। हमारा तेल गरम हो गया है तो इसमें हमको डालना है प्याज। प्याज अच्छे से ब्राउन होने तक भून लीजिएगा। आपके लिए छोटी सी टिप है, इसको थोड़ा हिलाकर अगर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे तो ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तब तक आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा हिला के इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। मैंने एक तवा रखा है गरम करने के लिए और उस पर अपने सारे अखे मसाले भुनने के लिए रखे हैं। थोड़ा सा ही हमको भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है उसको। देखिए, थोड़ा सा मैंने गरम कर दिया है सिर्फ, ताकि हमारे जो चिकन का स्मेल है, टेस्ट है, वो बहुत अच्छे से आ जाए। ये मैंने लिए हैं गरम मसाला, मालवनी मसाला, जीरा पाउडर और हल्दी। इसको भी आपको तवे पे हल्की से भून के लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि हमारा जो चिकन मसाला है वो अच्छे से हो जाए। देखिए, मैंने अभी हमारा प्याज भून दिया है हमने, उसके बाद मैंने उसमें टमाटर की प्यूरी डाली है। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है, कुछ इस तरह से। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो देखिए ऐसा बबल्स आने लगेंगे। तो इसमें हमको डालना है जो हमने मसाले भून लिए थे वो डाल के, इसके बाद हमारे जो खड़े मसाले हैं वो इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेना है, ताकि जो हमारा ऑनियन और टमाटो है उसमें उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। मैंने अच्छे से उसमें मिक्स कर दिया है। अब हमने जो मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा था वो इसमें ऐड करना है। कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है उसको, आप देख सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। जब हम चिकन मिक्स करेंगे तो हमारी जो गैस की फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए, ताकि हमारे जो चिकन है वो इस तरह से बॉईल होता रहे। अभी हमको कुकर का ढक्कन लगा के लेना है और इससे 7 सीटी निकालनी है। देखिए, हमारी 7 सीटी हो गई हैं और हमारा चिकन मसाला कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो, और अगर आपको इसको राइस के साथ खाना है तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमको रोटी के साथ खाना है। तो अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके राइस के साथ भी खा सकते हो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।